हेलो, मैं विनोद कुमार। हेलो, मैं विनोद चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बनास नदी की सहायक नदियाँ। देखो, बनास नदी की सहायक नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, देखो, बनास नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और दूसरा बनास नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। बनास नदी देखो कहाँ से निकली, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकल करके रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। तो जो इधर से दक्षिणी तरफ से मिल रही है वह क्या हुआ, दाईं ओर से, और उत्तर की ओर से जो आ रही है वह क्या हुआ, उसका बाई ओर, बनास नदी का वह बाई ओर हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दाई ओर से, बनास नदी के दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ आयड़ और मेनाल है। देखो दाया ये आयड़ नदी और ये मेनाल। आयड़ और मेनाल और बाई ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। बाई ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, कोठारी, देखो कोठारी, खारी, डाई और मोरै। तो सबसे पहले हम बनास नदी के दाई ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले पढ़ते हैं आयड़ नदी। तो डालो आयड़ नदी, इसी को बेडच कहा जाता है। आयड़ नदी को ही बेडच नदी कहते हैं। क्या है उद्गम, देखो इसका सूत्र है इसका आगो। आयड़ नदी, आ से आयड़ नदी, वो से गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। ये रहा गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और ये उदय सागर तक, उदय सागर झील है उदयपुर में, जिसकी स्थापना महाराणा प्रताप के पिता श्री कौन, उदय सिंह ने करवाई थी। और उदयपुर की स्थापना 1569 में उदय सिंह ने की थी। हाँ, तो क्या है उद्गम इसका, गोगुंदा उदयपुर। महाराणा उदय सिंह का दास अंश का और महाराणा प्रताप का राजतिलक, प्रारंभिक राजतिलक 1572 में, कहाँ पर, 1572 में गोगुंदा उदयपुर में हुआ था, परंतु विधिवत राजतिलक कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। चलो फिर अब इतिहास की बात अभी नहीं करेंगे, अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की बात पढ़ेंगे। अब देखो आगे, मान लो ये खमनौर है, खमनौर से तो बनास नदी निकली है और गोगुंदा से आयड़ नदी निकली है। आयड़ नदी को उदय सागर झील तक, उदय सागर झील तक इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील के बाद, उदय सागर झील के बाद इस नदी को
बेडच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेडच कहा जाता है। आयर नदी के किनारे ही प्राचीन, क्या विशेषता है इसकी? आयर नदी के किनारे ही प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति आहड़ की सभ्यता विकसित हुई थी। आहड़ की सभ्यता उदयपुर जिले में है। आहड़ की सभ्यता को ही ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट था। अगर प्रश्न पूछे आहड़ का सबसे प्राचीन नाम, तो उसमें ताम्रवती नगरी आएगा। अब देखो, आहड़ नदी आहड़ नदी के किनारे या बेडच नदी के किनारे चित्तौड़ जिले में, क्या विशेषता? चित्तौड़ जिले में बेडच नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? घोसुंडा बांध बना हुआ है। आहड़ की प्रमुख सहायक नदी मैनाल है। आहड़ की प्रमुख सहायक नदी मैनाल है। आयड़ नदी कहाँ पर जाती है? आयड़ नदी का विलय देखो, आयड़ नदी का विलय चित्तौड़ दुर्ग के पास आयड़ नदी की सहायक नदी गंभीरी है। कौन सी है? गंभीरी है। कहाँ से निकलती है? जावद की पहाड़ियाँ रतलाम से निकलती है, जो चित्तौड़ दुर्ग के पास या चित्तौड़ दुर्ग से 2 किलोमीटर दूर आहड़ और गंभीरी के बीच में, या आहड़ बेडच के बीच में मिलन होता है। मतलब चित्तौड़ दुर्ग आहड़ और गंभीरी के संगम पर स्थित है। ये तो थी तुम्हारी आयड़ नदी। आयड़ नदी से प्रश्न कौन कौन सा आ सकता है? एक तो उद्गम और उदय सागर झील। मतलब आयड़ नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? आयड़ है। उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। और बेडच नदी का उद्गम पूछ ले तो उदय सागर झील। फिर अगर उदय सागर झील नहीं दे रखा है, अगर गोगुंदा दे रखा है तो गोगुंदा आएगा। पर जैसा ऑप्शन है वैसा करना रहेगा। ये तो थी दूसरी नदी। हाँ, सहायक नदी गंभीरी है। गंभीरी जो जावद की पहाड़ियाँ रतलाम से निकलती है, और चित्तौड़ जिले में ही बहती है। अगली बाईं ओर से मिलने वाली वो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है मैनाल।
तो दूसरी लेते हैं मैनार। आह होगी, मैनाल होगी। मैनाल कहाँ से निकलती है? देखो हाँ, मैनाल नदी का उद्गम, यदि तुम्हारी मैनाल मैनाल नदी का उद्गम बेगू चित्तौड़ से होता है, बेगू चित्तौड़ से होता है। यह नदी चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले में बहती है। भीलवाड़ा की विलय कहाँ पर है? भीलवाड़ा का बीगौर, बीगौर भीलवाड़ा। बनास बीडच और बनास बीडच मैनाल का संगम स्थल है। संगम स्थल है। ये तो थी, इसमें सब मैनाल ये संगम त्रिवेणी संगम ही पूछा जाता है या अधिकांश है कि बनास नदी पर कौन सा त्रिवेणी संगम है, तो तुम्हें बताना है बनास, मैनाल और बेडस तीन नदियों का संगम स्थल है, यह त्रिवेणी संगम है। अब पढ़ते हैं बनास नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो दाईं ओर था बनास का, अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, तो सबसे पहले कौन सी है? कोठारी। कोठारी नदी उद्गम क्या है इसका? सूत्र है इसका कोदी। क्या सूत्र है इसका? कोदी। कोठारी नदी दी से क्या बन जाएगा? कोठारी नदी देवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, से निकलती है। यह तुम्हारी कोठारी नदी है, यहां से निकली कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है। विलय कहां पर होता है इसका? यह तो निकलती है विलय कौन नशे, क्या याद रखना है तुम्हें? कोठारी नदी से क्या बन रहा? नंद राय, नंद रायपुर, नंद राय नामक स्थान पर, स्थान कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। अब क्या विशेषता है इसकी? विशेषता यह है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध की पाल पर, मेजा बांध की पाल पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। क्या बनाया? मेजा बांध भीलवाड़ा।
मेजाबान बना है और मेजाबान की पाल पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। मेजाबान से ही भीलवाड़ा जिले को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और क्या है देवो विशेषता? कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे ही भीलवाड़ा जिले में बागौर की सभ्यता विकसित हुई थी। क्या विकसित हुई थी? बागौर की सभ्यता विकसित हुई थी। बागौर की सभ्यता विकसित हुई थी। अब प्रश्न पूछ ले, बागौर की हवेली कहाँ पर है? तो वह उदयपुर में है। बागौर की सभ्यता पूछे तो वह भीलवाड़ा में है। चलो अगले बाई ओर से मिलने वाली नदी लेते हैं। ये तो थी तुम्हारी कोठारी। कोठारी के बाद क्रम भी पूछ सकता है, तो बाई ओर से क्रम क्या हो जाएगा? कोठारी, खारी, डाई, मोरे। और दाई ओर से क्रम पूछे तो सबसे पहले कौन सी आती है? आयर या भेडच, फिर मैना। यह हो गया, ये लेते हैं खारी नदी। खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियां। उद्गम क्या है इसका? बिजराल की पहाड़ियां। राज संबंध से निकलती है। गुजराल की पहाड़ियां राज संबंध से निकलती है। समापन क्या है? विषम। इसके साथ डाई के साथ बनास नदी में मिल जाती है। मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि बिशनपुर बांध की बिशनपुर नामक स्थान पर ही बिशनपुर बांध बनाया गया है। इस बांध की आधारशिला विग्रहराज चतुर्थ या बिशन देव ने रखी थी। आज यह सब राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगला लेते हैं, इसमें देखो और क्या प्रश्न छुपा हो सकता है। देखो खारी नदी, ये खारी है, मेरवाड़ा और मेवाड़ को विभाजित करती है। खारी नदी मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मेवाड़ को विभाजित करती है। खारी नदी के किनारे ही शाहपुरा में, खारी नदी के किनारे ही शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में मारतंड भैरव मंदिर स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। खारी नदी के किनारे शाहपुरा भीलवाड़ा में मारतंड भैरव मंदिर स्थित है, जिसे देव नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मारतंड भैरवनाथ जी के मंदिर को ही देव नारायण जी का मंदिर भी कहा जाता है। ये तो तीर्थवाई खारी नदी। अगली नदी लेते हैं डाई नदी। तीसरी डाई, डाई नदी का उद्गम क्या है? उद्गम है किशनगढ़। वह
किशनगढ़ अजमेर ही कर लो। वैसे तो नाम वसी बुकों में क्या मिलता है, नसीराबाद। किशनगढ़ व नसीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है और हाँ पर विलय हो जाता है, देखो विलय यह समापन बीसलपुर टोंक में बनास नदी में खाड़ी के साथ खाड़ी नदी के साथ मिल जाती है। यह तो थी तुम्हारी त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, टोंक में है और त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, बीगौर। ये तो बिसलपुर और बीगौर, और तीसरा पूछ ले तो वह है रामेश्वर में। अभी नदी लेते हैं मौरै, लास्ट है ये इसकी बाई ओर से मिलने वाली नदी मौरै। उद्गम क्या है इसका, चैनपुरा, ये चैनपुरा जयपुर से, चैनपुरा जयपुर से निकलती है। विलय क्या है इसका, देखो खंडार सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर में, खंडार तहसील है, बनास नदी में मिल जाती है। सहायक नदी क्या है, हाँ बांध कौन सा, मोरेल नदी पर, मोरेल नदी पर मोरेल बांध, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है, सहायक कौन कौन सी है मोरेल की सहायक नदियां, डूंड और डूंड नदी और काली शिव, दो नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। काली डूंड और काली शिव, डूंड नदी अचरोल से निकलती है। देखो डूंड नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम है इसका अचरोल, जयपुर, अचरोल जयपुर, लालसोट दौसा, लालसोट दौसा जिले का है, वह डूंड नदी पर के किनारे ही बसा हुआ है। लालसोट लालसोट वो डूंड नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद आती है साई नदी काली से, छोटी नदी है ये, करौली की पहाड़ियों से ही निकलती है और करौली की जो प्रसिद्ध माता है केला देवी, यादवों की कुल देवी हैं वे, उनका मंदिर केला देवी का मंदिर कालीशिल नदी के किनारे, कौन सा पर्वत है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। केला देवी को
अंजनी माता भी कहा जाता है। यह तो थी तुम्हारी बनास नदी की सहायक नदियां। वालिशिल चलो और बता दूं, उद्देश्य वास्तविक उद्गम है इसका सपोटरा की पहाड़ियां करौली जी। अब विलय है इसका, वास्तविक विलय है हाड़ोती मान गांव करौली। तो करौली से निकल करके ये करौली में ही मोरल नदी में मिल जाती है। ये मोरल नदी की सहायक नदी है और ढूंढ नदी के नाम से जयपुर दौसा का क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा था। और ऐसे भी कहा जाता है कि तुर्कियों को यहाँ ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। परंतु ये बात सत्य नहीं मिल रही है, ढूंढ नदी के कारण ही इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ रखा गया था। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हे राय ने की थी, कछवा शासक था दुल्हे राय ने की थी। तो आज के लिए आज इतना ही ठीक है। ये बनास नदी की सहायक नदियाँ होगी, इनको ढंग से पढ़ना, पूरा देखो, पूरा समझो और उसके बाद सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।